नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, चिप्स वाले आलू लें, धनिया बारीक कटा हुआ, रिफाइंड ऑयल, नमक, मिर्च, चाट मसाला और पानी। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम आलू को छील लेंगे। आलू हमने छील लिए हैं, अब हम आलू को काटेंगे। अब हम इन आलूओं को पानी में डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से अपने हाथों की सहायता से इसे रगड़ रगड़ के धोएंगे, इससे इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा। अब हम इसमें से दूसरे बाउल में करेंगे, इससे इसमें से हमारा पानी गंदा हो चुका है, फिर हम साफ पानी में डालेंगे। अब हम इसमें से धोएंगे। अब हम फिर से पानी को चेंज करेंगे, दूसरे साफ पानी में करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक से इसमें मिठास और इसका सारा मार निकल जाएगा। अब हम इस पानी को गर्म करेंगे। पानी हमें उबालना नहीं है, सिर्फ इतना गर्म करना है कि हमारी उंगली अंदर ना जा पाए पानी में। इसे हम हिलाते हुए दो से तीन मिनट के अंदर पानी गर्म हो जाएगा और उसके बाद हमें लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए आलू को अच्छे से बॉईल करना है। ये देखिए सारा स्टार्च ऊपर आ गया है, पानी एकदम गंदा हो गया है। अब हम पानी को चेंज करेंगे। अब हम आलू को दूसरे पानी में उबालेंगे, अच्छे से बॉईल करेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए पानी साफ पानी में उबाल लेंगे। इस पानी में हमें नमक नहीं डालना है। ये देखिए आलू हमें इतने उबाल लें जिससे ये आलू हमारे टूट जाए। आलू हमें इतना उबालना है जिससे आलू हमारे ऐसे टूट जाए। ये देखिए अब हम आलू को किसी कॉटन के कपड़े पर फैला लेंगे 1 घंटे के लिए, जिससे पानी हमारा पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। हमने सारे आलू को फैला लिया है, अब हम इसे 1 घंटे बाद फ्राई करेंगे। 1 घंटा हो चुका है, ये देखिए पूरा पानी हमारा एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसे करेंगे फ्राई। गैस पर कढ़ाई पैन रखें और कढ़ाई पैन पर रिफाइंड डालें। रिफाइंड को अच्छे से गर्म होने दें। हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राइज हमारी हल्की सिक चुकी हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट या कोई टिन में। अब हम इसे 6 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। 6 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब ये हमारे फ्रीजर में रखे हुए थे, इसलिए हम इसे बहुत सावधानी से फ्राई करेंगे। रिफाइंड हमारा ज़्यादा गर्म हो चुका है। फ्रेंच फ्राई हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हमें पतीले में
अगर हम प्लेट में निकालेंगे तो इसकी सारी स्टीम निकल जाएगी, फिर ये करारे नहीं रहेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए हम इसे निकालेंगे किसी पतीले में या बाउल में। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और फ्रेंच फ्राइज को हम निकाल लेते हैं। इससे हमारा सारा हमने इस स्टेन में निकाल लिया है, जिससे हमारा सारा ऑयल निकल गया है एक्स्ट्रा। अब हम इसे एक बाउल में कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर एज योर टेस्ट, चाट मसाला, नमक, धनिया। अब हम इसे हिला लेंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी है, कितनी आवाज़ आ रही है। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।